आइए आज एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जिसने कहा था कि तमाम लोग फितरतन जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके उस्ताद ने उसे अपनी एकेडमी का बेहतरीन दिमाग करार दिया था। वो शख्स खुद मुख्तलिफ उलूम का माहिर था, लेकिन फिर भी तमाम उम्र वो इल्म का मुतलाशी रहा। उसने तमाम उम्र पढ़ने पढ़ाने में लगा दी। ये वो शख्स था जिसके शागिर्द को दुनिया फातह आजम के नाम से याद करती है। आज से करीब 2500 साल कब्ल शुमाली यूनान के मकदूनिया में वाक़े एक छोटे से कस्बे इस्तगीर में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अरस्तू रखा गया। अरस्तू दुनिया के एक मशहूर मुफक्किर दानिश्वर और मुहक्किक माने जाते हैं। उनके वालिद निकोमैकस एक फिजिशियन थे उस जमाने के मैसेडोनिया के किंग एमाइंटस थर्ड के। यूनान के उस वक्त के रिवाज के मुताबिक लड़कपन में अरस्तू की तालीम का नज़्र घर पर ही किया गया। उसने अपनी इब्तदाई तालीम वालिद के साथ साथ दूसरे असातिज़ा से हासिल की। वालिद के ज़ेरे असर अरस्तू को इल्मुल हयात में दिलचस्पी पैदा हो गई। अरस्तू की जिंदगी में पहला अहम मोड़ उस वक्त आया जब वालिद की वफात के बाद उसे मकदूनिया से एथेंस जाना पड़ा। आला तालीम के लिए अरस्तू को उस वक्त के अजीम मुफक्किर व फलसफी अफलातून की एकेडमी में दाखिल करा दिया गया। 367 जब उनकी वालिद का इंतकाल हो जाता है वो एथेंस को आते हैं और उस वक्त की मशहूर एकेडमी जो उस वक्त के मशहूर दानिश्वर और फलसफी प्लेटो जिनको अफलातून भी हम कहते हैं उनकी स्टार्ट की हुई एकेडमी में उनका एडमिशन होता है। वो एकेडमी में 20 सालों तक रहते हैं, शुरू में एक तालिब इल्म की तरह, बाद में एक असाज़ा की तरह। अफलातून की एकेडमी में आकर गोया अरस्तू के पंख लग गए, रोज बरोज उसके इल्म में इजाफा होने लगा। एकेडमी में न सिर्फ मुख्तलिफ तसव्वुरात, हुकूमत का नज़्म नस्क यानी सियासियात, रियाजी, फलकियात और अदब जैसे मैदानों में भी अरस्तू ने काफ़ी तहकीकात की। अरस्तू उस जमाने के और एकेडमी के सबसे बेहतरीन तालिब इल्म माने जाते थे और अफलातून उन्हें काफ़ी पसंद भी करते थे। उनका इल्म का दायरा चाहे वो रिटारिक हो, चाहे वो मेटाफिज़िक्स हो, फिज़िक्स हो, लॉजिक हो, पॉलिटिक्स हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, साइकोलॉजी हो, हर फील्ड में उनको एक महारत हासिल है। अरस्तू की जिंदगी का दूसरा मोड़ तब आया जब अफलातून की वफात के बाद मकदूनिया के बादशाह फिलिप ने उसे एथेंस से वापस मकदूनिया बुलाया और अपने नौजवान बेटे सिकंदर की तालीम और तदरीस की जिम्मेदारी सौंपी। किंग फिलिप्स जो मैसेडोनिया के राजा हुआ करते थे उन्होंने उनको दावत दी, वो दावत कबूल करते हैं। 5 सालों तक लगातार अलेक्जेंडर को पढ़ाते हैं। फिलिप के इंतकाल के बाद अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का हुकूमत मिलती है और आगे चलकर कि ये अलेक्जेंडर काफ़ी मशहूर और मारूफ बादशाह कायम होते हैं जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी हम जानते हैं। अरस्तू को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी इल्मुल हयातियात का बानी तसव्वुर किया जाता है। इल्मुल हयातियात पर अरस्तू की दो मशहूर तसानीफ हैं, हैवानात के अज्जाए जिस्मानी, तारीख हैवानात। वहाँ पर जो उन्होंने तहकीक किया आज और जो उन इंसेक्ट्स पे जो मरीन बायोलॉजी में जो जियोलॉजी के उनके रिसर्चेज हैं आज माइक्रोस्कोप से भी कर पाना बड़ा मुश्किल है उन तमाम इंसेक्ट्स के बारे में जानना। तो सोचिए कि जो है अरस्तू की तहकीक कितनी एडवांस हुआ करती कि बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने मुशाहदे के ज़रिए उन चीज़ों को बयान करना। और उनका जो मुशाहदा जो मरीन बायोलॉजी में होता है वो एक किताब की शक्ल में आती है, द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ज़मीनी इर्तिखा से मुतालिक अरस्तू के ख्यालात अभी भी काबिल कबूल हैं, यानी कि सतह के ऊपर पहाड़ों के उभरने का अमल और मौसम की तब्दीली से उनमें बिखराव या टूटने का अमल और सतह के फिर से बराबर होकर समंदर में मिल जाने का अमल। अरस्तू को हालांकि अफलातून की एकेडमी चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सिकंदर के तख्तनशीनी के बाद अरस्तू ने एथेंस में वापस आकर अपनी एक अलग दर्सगाह कायम की जिसका नाम द लाइजियम रखा, जिसे
پیریپیٹیٹکس اسکول کہا جانے لگا۔ پیریپیٹیٹکس سے مراد چہل قدمی ہے۔ وہاں پر دو طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک تو صبح میں ہوتی تھی اور دوسری شام میں۔ صبح میں کی جو تعلیم ہوتی تھی جو اسپیشلسٹ، اور شام میں ایک پاپولر نالج کو پڑھایا جاتا تھا جس میں کوئی بھی آ کر کے اس نالج کو سیکھ سکتا تھا۔ ارسطو کا ذہن تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے علم منطق اور استدلال کی ایک شکل کی بنیاد ڈالی جو سیلوگزم کہلاتی ہے۔ ان سب سے تفصیل اس نے دستور العمل یعنی کہ اورگینن میں بیان کی ہے۔ ان میں ماقبل اور ما بعد تجزیات اور 100% تردید شامل ہے۔ ارسطو نے احساس، یادداشت، سوچ بچار اور خوابوں جیسے عوامر کا تجزیہ کر کے علم النفس کی بھی بنیاد ڈالی۔ قریب 200 سے زیادہ انہوں نے کتابیں، مضامین اور ٹریٹیز کے شکل میں لکھی ہیں، لیکن صرف اور صرف 31 مضمون ہی جو ہمیں حاصل ہیں، جو ابھی سروائیو کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ارسطو کی سب سے زیادہ شہرت علمیات اور اخلاقیات میں ہے۔ اس کی اہم ترین تصانیف میں علم الحیات، میٹافیزکس اور نیکومیچین ایتھکس ہیں۔ اس کی کتاب سیاسیات، پولیٹکس اور شعریات پوئٹکس آج بھی طلباء کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں اور نصاب کا حصہ ہیں۔ ارسطو کے نظریات، مفروضات اور علم کو لگ بھگ 1500 سال بعد تک مستند اور صحیح مانا جاتا رہا، لیکن بعد کے دنوں میں کچھ سائنسی دریافت کے بعد ارسطو کے نظریات کو مسترد کر دیا گیا، حالانکہ اس کے بیشتر نظریات آج بھی مسلم اور مستند مانے جاتے ہیں۔ 323 میں الیگزینڈر دا گریٹ، جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ایتھنس میں، اور اس زمانے میں جو میسیڈونیا کے خلاف بغاوت آتی ہے، یہ الزام ارسطو پہ بھی لگایا جاتا ہے امپائٹی کا۔ ارسطو کو اس شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اپنے ماں کے شہر چالسس تھا وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر ان کی پیٹ کی شکایت رہتی ہے کافی اس عمر میں، اور 322 میں وہ انتقال فرما جاتا ہے۔